आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो अगर आप लोग मेरे को कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं रेगुलर इस पर अपडेट डालता रहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिगार्डिंग। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी बिकॉस मोटर्स के ऊपर, जिसने अपना D15 सीरीज के 2 स्कूटर लॉन्च किए थे, D15 और D15 प्रो। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ बिकॉस मोटर के B8 और A2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कंपनी ने पेश किया, मतलब लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों स्कूटर के बारे में बताऊंगा, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या मिल रहा है, इनकी प्राइस कितनी और इनकी रेंज कितनी है, इनके फीचर क्या क्या है। तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग कर रहे हो ओला एथर बजाज सिंपल वन चेतक वगैरह से हटके, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो और ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड भी कर सकते हो कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं B8 और A2 की, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1 लाख रुपए है, और उसके टॉप मॉडल की जो प्राइस है वो 1,15,000 तय की गई है। और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को फंकी लुक, मजबूत बॉडी और स्मार्ट फीचर के साथ इंडियन मार्केट में उतारा गया है। बिल्कुल नया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.2 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, और इसके अंदर आपको 2 मोड मिलते हैं इको और स्पोर्ट। अगर मैं फीचर की बात करूँ B8 और A2 की, तो इस स्कूटर के अंदर 20 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिसके अंदर वाटर प्रूफ, IP67 रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी शामिल है, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर और धूल से इसे बचाती है। राइडर अपने स्मार्टफोन के जरिए स्कूटर कनेक्ट कर सकता है। इस बाइक के साथ जो इसकी बैटरी है डिटैचेबल है, मतलब आप निकाल के चार्ज कर सकते हो आराम से। इसके साथ ही इसके अंदर आपको इनबिल्ट नेविगेशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीलेस स्टार्ट, USB पोर्ट और कॉल का नोटिफिकेशन अलर्ट भी मिल जाएगा इसके डिस्प्ले के ऊपर। और अगर मैं इसकी रेंज और स्पीड की बात करूँ, तो ये जो स्कूटर है 0 से 60 किलोमीटर की जो स्पीड है सिर्फ 7 सेकंड में ले लेता है। और कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ 16 इंच का अलॉय व्हील देती है, और कंपनी का कहना है कि इस चीज़ों की मदद से राइडर बड़े आराम से इसको चला सकता है और काफ़ी कंफर्टेबल उसकी राइडिंग होगी। और ये स्कूटर सिंगल चार्ज पे 115 किलोमीटर तक की रेंज देता है, और फुल चार्ज होने में लगभग 5.5 घंटे का समय लगाता है। और मैं आपको बता दूँ, इस स्कूटर को पूरी तरह से इंडिया में बनाया कंपनी ने, और वो बनाया है पुणे में। तो बिकॉस मोटर भी लगातार अपने नए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए जा रही है, जैसे उसने रिसेंटली D15 सीरीज़ के 2 स्कूटर लॉन्च किए, और अब उसने ये लॉन्च कर दिए B8 और A2। तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं था TVS, चेतक, एथर वगैरह नहीं लेने का, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो कि इसकी बजट अच्छा है और इसमें आपको अल्टीमेटली सब्सिडी मिलती है और इसकी रेंज भी अच्छी है और फीचर भी कंपनी अच्छी दे रही है, बेस्ट इन क्लास दे रही है अपने हिसाब से। बाकी अगर आप लोगों को 22 कार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पार्टी वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। इस वीडियो से भी इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे मीडियो लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।